हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। ओके गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ फिर से एक DIY। जी हाँ, DIY होम रेमेडी। एंड ये बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है ब्राइडल्स के लिए। जी हाँ, जिनकी नई शादी होने वाली है, ठीक है, तो ये ब्राइडल डे क्रीम है। जी हाँ, बहुत जनों की स्किन ऐसी भी होती है जिसमें कोई ग्लो नहीं रहता है, कोई मॉइस्चर नहीं रहता है, बिल्कुल ड्राइनेस रहता है, ओवर ड्राइनेस रहता है, एंड बहुत ज्यादा मतलब अनइवन स्किन जिसको कहते हैं वैसा हो जाता है। तो उसी के लिए मैं आज आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा बेस्ट सा डे क्रीम लेके आ गई हूँ। हाँ जी, डे क्रीम। एंड इसको बनाना उतना ही आसान है, स्टोर भी करके रख सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा। तो इसको आप चाहो तो 1 हफ्ते 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो, आराम से ये रह जाएगा। एंड जरूरी नहीं है कि डे में ही लगाओ, नाइट में भी लगा सकते हो, बट डे क्रीम है ये ज्यादा इफेक्ट करेगा सुबह सुबह अगर आप लगाते हो तो। सो चलिए देख लेते इसको बनाना कैसे है एंड अप्लाई कैसे करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, अब हम बनाते हैं डे क्रीम। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है, कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल ले लिया है, ठीक है, और आप चाहो तो स्टोर करके रख सकते हो, बना के रख सकते हो, ठीक है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेना। एंड यहाँ पे विटामिन ई कैप्सूल ले रही हूँ मैं, और उसको अच्छे से स्क्वीज कर लूँगी, जितने भी उसमें विटामिन ई कैप्सूल के अंदर जितना भी है उसको अच्छे से स्क्वीज कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कॉफ़ी पाउडर ले रही हूँ। कॉफ़ी पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था क्योंकि एलोवेरा जेल और कॉफ़ी पाउडर को एक साथ मिक्स करने से वो ज़्यादा क्वांटिटी में करने से वो पतला हो जाता है। तो एलोवेरा जेल के साथ कभी भी कॉफ़ी मिक्स करो तो बहुत कम मिक्स करना, मेरे से गिर गया था कॉफ़ी पाउडर ज़्यादा। सो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया इसको कैसे बनाना है। मेरे से थोड़ा सा पतला हो गया है कॉफी, अब ज्यादा मिक्स करना मेरे से थोड़ा ज्यादा गिर गया था, बट अब मैंने जितना दिया है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, अगर आप जितना एलोवेरा जेल लेते हो उससे 4 गुना कम आप लेना कॉफी, तो आपका ज्यादा अच्छा बनेगा। मेरे से थोड़ा सा ज्यादा गिर गया था कॉफी, तो इसीलिए ये थोड़ा सा पतला लग रहा है। कॉफी अगर आप ज्यादा दोगे तो वो पतला हो जाता है, तो ठीक से मेजरमेंट करना। मेरे से गिर गया, मैंने दिया नहीं जानबूझ के। सो इसको हम अप्लाई करते हैं। गाइस, इसको अप्लाई करना भी एक ट्विस्ट है, तो कैसे अप्लाई करना है एंड इसको रिमूव नहीं करना है तो कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसको भी आप लोग देखिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना बिना स्किप किए। तो चलिए देख लेते इसको कैसे लगाना है। सो गाइस, कभी भी कुछ भी अप्लाई करने से पहले फेस को वॉश करना, क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया है एंड अच्छे से क्लीन कर लिया अपने फेस को। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसको अब मैं अप्लाई करूँगी ये क्रीम को, डे क्रीम। जी हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा सा पतला हो गया है एलोवेरा जेल के सॉरी कॉफ़ी पाउडर ज़्यादा गिरने से, इसीलिए पतला है, वरना बहुत ज़्यादा क्रीमी फॉर्म में होता है ये। मैं कभी अगर यूज़ करूँगी तो आपको ज़रूर दिखा दूँगी। अच्छे से इसको मैंने अप्लाई कर लिया अपने पूरे फेस पे, ठीक है, एंड इसको ऐसे ही हम अप्लाई कर देंगे अपने ऑल ओवर फेस पे। आप चाहो तो नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी बहुत ज़्यादा डार्क नेक है तो। 2 मिनट के लिए ऐसे हम छोड़ देंगे इसको, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसको हमें मसाज करना है, ठीक है, अच्छे से मसाज करना है जब तक ये पूरा अब्जॉर्ब नहीं हो जाता, पूरा क्लीन नहीं हो जाता। इसको अप्लाई करने से आपकी अनइवन स्किन टोन को ठीक करता है, आपकी डार्क सर्कल्स को कम करता है, रिंकल्स रिड्यूस करता है, ठीक है। आपके लिप्स पे भी मसाज कर लो इसको साथ ही साथ, एंड बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे ग्लो प्रोवाइड करता है। ओवर ड्राइनेस है तो उसको भी ठीक करता है, बहुत सारे फायदे हैं एक साथ इसके। सो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड हो गया है। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया इसको कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, कितनी देर रखना है एंड इसको वॉश नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ही मसाज करके आपको छोड़ देना है। आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया होगा एंड मैंने इसका फायदे क्या क्या है वो भी बता चुकी हूँ वीडियोस में। सो गाइस, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो एंड आप लोगों को, आप लोग यूज करके प्लीज बताना आप लोगों को कैसा लगा। आप हफ्ते में इसको 4 से 5 दिन यूज करो, ठीक है, 1 दिन के गैप पे भी आप यूज कर सकते हो, बट अगर आप डेली भी चाहो तो डेली भी यूज कर सकते हो। रोज सुबह में आप फेस वॉश करने के बाद इसको अप्लाई कर लो एंड मसाज करो एंड बहुत अच्छा सा आपको ग्लो प्रोवाइड होगा स्किन पे एंड स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी।
इसको जरूर ट्राई करना, ट्राई करने के बाद कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल्ड्रन सी यू, बाय गाइस।